वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बड़ा सड़क हादसा हुआ है और रोडवेज बस और ट्रक की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 15 लोग जख्मी हो गए हैं। और आपको बता दें कि SHO राजेश सिंह ने इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया है कि घायलों को अस्पताल भेजा गया है। हादसे के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मौके पर पुलिस मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटना बहराइच के जरवल इलाके के तप्पे सिपाह इलाके की बताई जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि सुबह 4:30 बजे करीब यह हादसा हुआ है। कोहरे के चलते तेज रफ्तार ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी है। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी और जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे की सूचना पर CO और SDM और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि केसरगंज मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया गया। हादसे की शिकार हुई बस लखनऊ से बहराइच जा रही थी और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। वहीं घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। गंभीर रूप से घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, ये घटना बहुत ही दुखद है और इसपे सबसे पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेकर के दुख प्रकट किया है और घायलों को राशि भी प्रदान करने की बात की है। अब बात बैरेज के जरवल में ये अचानक बस अनियंत्रित हो गई, या ये भी जानकारी मिल रही है कि ड्राइवर उल्टी दिशा में बस चला रहा था जिसपे ये बस से हादसा हो गया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, कुछ घायल हैं। अभी जो इसकी जानकारी मिल रही है कि मौके पर जब ये हादसा हुआ था तो वहां पर जो जिला प्रशासन के लोग थे, जैसे कि SDM इंस्पेक्टर, ये सब पहुंचे थे और घायलों को उपचार के लिए आनंद फानंद में पहुंचाया गया। लेकिन 6 लोगों की जो कि डेथ हो गई है, तो ये घटना बड़ी घटना हो गई और ये डिवाइडर से टकराई, ये कहना है बस में। आज तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि डिवाइडर से बस टकराई है, बस पलट गई है, लोगों की मौत हो गई, कुछ घायल हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये भी जानकारी मिल रही है कि बस उल्टी दिशा में ड्राइवर चला रहा था। तो अब इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी सामने आई है यातायात की, जिससे 6 जाने तो चली गई और कुछ घायल हो गए। इस लापरवाही से एक बड़ा हादसा हुआ है जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर दुख प्रकट किया है और घायलों को राशि पहुंचाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं और घायलों का उपचार भी चल रहा है। हालांकि जो लोग मृतक हो गए, अभी इस पर कोई घोषणा होनी बाकी है, लेकिन इसकी जो अब जाँच है, वो जांच अब होनी है कि कैसे हुआ था, क्या है। लेकिन जो जाने वाले थे वो तो चले गए, जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है जी। और ये मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में इस घटना से लोगों को सदमा पहुंचा, ये घटना पूरे उत्तर प्रदेश की जानकारी में आ चुकी है। जी दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मैनपुरी में आयोजित जनसभा में शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी स्थिति एक बेडलम जैसी है और इसको लेकर ही बेचारे को पिछली बार कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली और उसके हैंडल में बैठना पड़ा था। और पेंडुलम को कोई लक्ष्य नहीं होता है, इस पर पलटवार करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि चाचा पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे, पता नहीं चलेगा कहां गए। मुख्यमंत्री जी जान नहीं जा पा रहे हैं, वो चाचा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बताते चले आपको कि अखिलेश यादव ने सोमवार रात अपने ट्वीट में शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा कम करने को लेकर भी हमला बोला है। सैफई कुनबे में चाचा भतीजे के एक होने के बीच जिस तरह से योगी सरकार ने शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती की है, उसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इस फैसले पर विरोध जताया है। हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए कि पेंडुलम है चाचा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है भाई। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करहल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे, पता नहीं लगेगा कहां जाएंगे। पेंडुलम में है ये तो चलता है, ये जो झूला है
सीएम योगी पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है, क्या है अभी की अपडेट? पहले मैनपुरी में मुख्यमंत्री ने निशाना साधा था समाजवादी पार्टी के साथ शिवपाल यादव पर कि पेंडुलम की तरह शिवपाल यादव काम कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, उनको कुर्सी भी नसीब नहीं होती और रथ में भी जगह नहीं मिलती है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने जो पलटवार किया है वो पलटवार बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, बहुत ही करारा जवाब दिया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने ये बात कहा है कि मुख्यमंत्री जी पेंडुलम समझ रहे हैं कि चाचा ऐसा झूला झुलाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा कब क्या हुआ। यानी कि झूला झुलाने के पीछे मकसद क्या है, ये समाजवादी पार्टी ने जो आरोप सीधे सीधे पलटवार कर दिया है अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर कि झूला झुलाएंगे, तो क्या ऐसा झूला झुलाएंगे कि मैनपुरी की सीट निकल जाएगी हाथ से और बीजेपी खाली सिर्फ हाथ मलते रह जाएगी, या मैनपुरी के साथ साथ और भी सीटें हैं जहां पर भाजपा को चकमा मिलेगा और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी का जो जवाब है उस पर उनको पछताना पड़ेगा। और अखिलेश यादव ने एक बात ये भी कह दी है कि चाचा को हल्के में मत लें, तो क्या चाचा को मुख्यमंत्री या भाजपा हल्के में ले रहे हैं, या अखिलेश यादव ने ये बात कहने की कोशिश की कि चाचा ने ऐसी रणनीति बनाई है, ये ऐसी रणनीति बनाई है कि डिंपल यादव की सीट तो निकलनी ही है, साथ में समाजवादी पार्टी की बची हुई सीटें वो भी भाजपा के ऊपर से निकल जाएगी। और जो योगी आदित्यनाथ ने जो सीधे जो आरोप लगाया है, जो जवाब दिया है कि पेंडुलम है, तो क्या योगी आदित्यनाथ ने इस बात को मैसेज देने की कोशिश किया है कि चाचा की वहां पे इज्जत नहीं मिल रही है और आगे इज्जत नहीं मिलेगी और भी कुछ इनके ऊपर जांचें होनी है? तो इसको लेकर के जो अखिलेश यादव ने पलटवार किया है, इस पलटवार के पीछे भी कई मायने हैं। हालांकि मुख्यमंत्री को वो झूला झुलाएंगे तो कौन सा झूला झुलाएंगे ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि अगर अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि चाचा जी ऐसा झूला झुलाएंगे, जो झूले के पीछे की रणनीति है कि वो ऐसी रणनीति बना के चल रहे हैं कि मैनपुरी सीट तो उनकी निकलनी ही है और भी सीटें उनके पास हैं जो निकल जाएगी, भाजपा को पता ही नहीं चलेगा उनके हाथ में कब कोई सीट बची और कब निकल गई, इसके पीछे की रणनीति अखिलेश यादव ने बताने की कोशिश की है और जवाब का जो वार है उसको पलटवार किया है। अब इस पे भाजपा कौन सा फिर से एक एक्शन देगी ये सोचने वाली बात है, लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री को झूला झुलाने की बात कर डाली है। जी, जिस तरह से यहाँ पर राजनीति तेज होती हुई देखी जा रही है, वैसे ही जिस तरह से अब चुनाव है तो उसको लेकर क्या अभी की अपडेट देखने को मिलेगी इसके बीच में? दानिश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें, लखनऊ से खबर है जहां पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री को ऐसा झूला झुलाएंगे पता नहीं चलेगा कहां चले गए। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मैनपुरी में आयोजित जनसभा में शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी है और बेचारे को पिछली बार कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, उसके हैंडल में बैठना पड़ा था, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। इस पर पलटवार करते हुए अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है और इसकी कड़ी आलोचना भी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाचा पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे पता नहीं चलेगा कहां गए। मुख्यमंत्री जी जान ही नहीं पा रहे हैं, वो चाचा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बता दें आपको कि अखिलेश यादव ने सोमवार रात अपने ट्वीट में शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा कम करने को लेकर भी हमला बोला और सैफई कुनबे में चाचा भतीजे के एक कोने के बीच को लेकर भी, जिस तरह से योगी सरकार ने शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती की है उसे लेकर समाजवादी पार्टी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इस फैसले पर विरोध भी जता दिया है। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में डिंपल यादव के समर्थन में प्रचार के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोमती रिवर फ्रंट मामले को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और यूपी की योगी सरकार द्वारा पहले शिवपाल यादव की सुरक्षा घटाने और अब गोमती रिवर फ्रंट मामले में शिवपाल के खिलाफ जांच को मंजूरी दिए जाने को लेकर अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को कड़ी चेतावनी दे दी है। बता दें आपको कि अखिलेश यादव ने कह दिया है कि एक बीजेपी की भी जांच होगी और आपके लोग भी फंसेंगे। डिंपल के समर्थन में जनसंपर्क और प्रचार के बीच मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि गोमती रिवर फ्रंट मामले में कैबिनेट से एक एक फैसला हुआ है, यदि कैबिनेट के फैसले को भाजपा सरकार सीबीआई और ईडी नहीं मानेगी तो भाजपा के लोग ये याद रखें कि हर दिन एक जैसे नहीं रहते। बीजेपी के लोगों की भी जांच होगी और आपके लोग भी फंसेंगे। और कैबिनेट से एक एक फैसला हुआ है,
कैबिनेट का एक एक फैसला रिवर फ्रंट के लिए लिया गया है और अगर कैबिनेट के फैसले को सीबीआई और सरकार नहीं मानेगी तो ये याद रखे भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम किसी के एक चीज से नहीं रहते, आपकी भी जांचें होंगी, आपके लोग भी फंसेंगे और जो गड्ढा भरने पर जो लूट हुई है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में जो लूट हुई है उसकी सीआईईडी कब करोगे? हमारी सीआईईडी कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव के समय पर आप सिक्योरिटी हटा दें चाचा की, आप उनके ईडी को सीबीआई से करा दें, हम कैबिनेट के लोग सब तैयार हैं ईडी और सीबीआई को फेस करने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो हेड यूपी से दानिश वारसी हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। दानिश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें, लखनऊ से खबर है जहां पर गोमती रिवर फ्रंट मामले पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक दिन बीजेपी की भी जांच होगी, इसको लेकर बयान सामने आया। गोमती रिवर फ्रंट मामले पर अखिलेश यादव ने बयान दे दिया है साफ तौर पर। उन्होंने कह दिया है कि एक दिन बीजेपी की भी जांच होगी। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में डिंपल यादव के समर्थन में प्रचार के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोमती रिवर फ्रंट मामले को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और यूपी की योगी सरकार द्वारा पहले शिवपाल यादव की सुरक्षा घटाने और अब गोमती रिवर फ्रंट मामले में शिवपाल के खिलाफ जाँच को मंजूरी दिए जाने को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को बड़ी चेतावनी दे दी है। दानिश वारसी हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश वारसी, जिस तरह से मामला सामने आया, अखिलेश यादव ने कहा है कि एक दिन बीजेपी की भी जांच होगी, पूरी अपडेट क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, कल मैंने बताया था कि सबसे पहले शिवपाल यादव पर अटकलें थी कि शिवपाल यादव कहां पर होंगे, फिर समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे एक हो गए, परिवार का मामला था वो एक हुए, पार्टी की विसाख बचानी थी उनको। डिंपल यादव मैनपुरी से लड़ रही, सबसे हॉट सीट है, उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी सीट है, भाजपा के लिए टास्क है, समाजवादी पार्टी के लिए भी इज्जत और वकार बचाने का पूरा पूरा टारगेट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से शिवपाल यादव आए हैं, पहले तो मैं कह सकता हूं कि शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती हुई, जेड से वाई हो गई। उसके बाद शिवपाल यादव पर सीबीआई जांच का शिकंजा कसने वाला है, अनुमति मांगी गई, अब क्या हुआ ये नहीं पता, लेकिन सीबीआई पर जांच होनी है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दो टू, मैं कहता हूँ टिट फॉर टैट, ये कहने की कोशिश की है कि भाजपा के लोग भी इस बात को लेकर तैयार रहे कि सत्ता बदलती है, अगर सीबीआई का शिकंजा चाचा पर पड़ेगा या समाजवादियों पर पड़ेगा तो जब सत्ता में वो आएंगे तो उनके साथ भी ऐसे होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब हालात बदलेंगे तो पूरी तरीके से बदले की भावना से, यानी मैं कह सकता हूँ पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी भी इसका हिसाब लेगी और सीबीआई जिस तरीके से सीबीआई उनको परेशान कर रही, इस तरीके से जब सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी तब भाजपाइयों के भ्रष्टाचार की भी जांच होगी, तो उनमें आखिर कौन सा भ्रष्टाचार है, कौन कौन लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अखिलेश यादव ने ये चेताने की कोशिश की है कि अगर हम पर या हमारे परिवार पर हाथ टच किया, देखिए आजम खान के साथ जो हुआ पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा, आजम खान पर 95 मुकदमे लादे गए थे, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन केवल मिलता रहा लेकिन आजम खान पर कार्रवाई नहीं थमी, सुप्रीम कोर्ट इधर जमानत देता था उधर उन पर फिर मुकदमे हो जाते थे, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही थी सरकार से, यूपी सरकार से, कि एक तरफ हम मुकदमे में जमानत दे रहे हैं दूसरी तरफ मुकदमे जाने, ये क्या तमाशा है। और आज शिवपाल यादव पर शिकंजा कसना हुआ, अभी तो शिवपाल यादव पर संकट के बादल शुरू हुए हैं, शिवपाल यादव पर संकट के बादल अभी आवास के छाने हैं, शिवपाल यादव का जो आवास है इस पर संकट छाया हुआ है कि सब सुरक्षा में कटौती हुई है, सीबीआई जांच का शिकंजा कसने वाला है और उनका आवास, अब उनका आवास खाली होना है, क्या आवाज भी उनके खाली हो जाएगा, उसको लेकर के सीबीआई जांच क्या शिवपाल के साथ साथ अखिलेश पे भी होगी या उनके और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर शुरू होगी, या सीबीआई ने एक तोता छोड़ने की कोशिश की है सरकार ने कि सीबीआई का तोता जब जाएगा तो सबको डरा देगा और उसके बाद इनकी सीट जो हाथ से निकलने वाली थी वो बच जाएगी, या फिर सीधे सीधे सरेंडर करने की कोशिश जो है सरकार द्वारा की जा रही है कि समाजवादी पार्टी जो है मैनपुरी की सीट भूल जाए और अन्य जिलों में जितनी भी सीटें हैं वो भाजपा के सीधे सीधे खाते में आ जानी चाहिए। उसको लेके अखिलेश यादव ने एक बात कही है और अखिलेश यादव दो टूक कही है, दो टूक में भाजपाइयों को चेतावनी दी है कि अगर सत्ता बदलती है और सत्ता जब बदलेगी तो उनकी भी जांचें ऐसे ही होंगी,
बिल्कुल सही बात उन्होंने बात कही कि बिल्कुल इनकी जांचें होंगी। देखिए सरकार जब बदलती है तो अपने हिसाब से सरकार चलाती है, सरकार जब बदलती है सरकार अपने हिसाब से अधिकारी चुनती है, अपने हिसाब से जांचें होंगी। तो जाहिर सी बात है पूरे पूरे पॉइंट ऑफ व्यू पर काम होंगे अगर सरकार बदलेगी तो। उनको ये बताने की कोशिश की अगर सरकार सत्ता में बदली तो उनके साथ भी यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे परिवार वालों के साथ हो रहा है। अब ये क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन चेतावनी अखिलेश यादव की सत्ता बिल्कुल कहीं ना कहीं दानिश जो सपा की तरफ से है बीजेपी को डराने की कोशिश की जा रही है ऐसा कह सकते हैं। नहीं देखिए पहले बीजेपी ने सपा को डराने की कोशिश की, मैं कह सकता हूँ कि पहले उनकी भाई सिरोही घट सुरक्षा में कटौती होती, उसके बाद फिर सीबीआई का तोता, उसके बाद फिर उनके अब आवास पर संकट के बादल, और आगे कौन कौन से संकट पर बादल होंगे ये तो खैर आगे की रणनीति तय करेगी। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव चेतावनी दी है वो भी एक कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की गई है कि अगर उनकी जांच आजम खान साहब के साथ आपने जो किया कोई बात नहीं, आपने इरफान सोलंकी के साथ किया कोई बात नहीं, यानी जिन जिन एमएलए और एमपी विधायक के साथ आपने समाजवादी पार्टी के किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्ट अगर आपने महल में घुसने की कोशिश की या मुखिया के सीधे सीधे मैं कह सकता हूँ सीधे सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके परिवार के किसी व्यक्ति पर अगर आपने सीबीआई की जांच बढ़ाने की कोशिश की, दबाव बनाने की कोशिश की, उत्पीड़न करने की कोशिश की वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, तो सत्ता अगर पलटेगी हम आएंगे तो फिर आपकी जांच शुरू होगी। तो क्या अखिलेश यादव ने ये बात आजम खान के मामले में क्यों नहीं बोली थी, आज शिवपाल यानी चाचा है तो उनके मामले में क्यों बोल रहे हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। और भाजपा का अगला कदम क्या होगा ये भी सोचने वाली बात है। हालांकि अखिलेश ने अपने मन की बात तो कह दी है, अब मन की बात तो जनता ही उनके चेहरे पर बताएगी कि आखिर वो अपनी मन की बात पूरी कब कर पाएगी। जी दानिश आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लखनऊ सड़कों के गड्ढे भरने की आज अंतिम तारीख है और सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का सीएम ने दिशा निर्देश दिया था। अल्टीमेटम के बाद भी गड्ढे से भरी हुई सड़कें नजर नहीं आ रही हैं और एक महीने में नगर निगम के सिर्फ 20 किलोमीटर सड़क बनाई है और इसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने 462 किलोमीटर सड़क पर पैच वर्क पूरा किया है। दानिश वार से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश सड़कों को जो गड्ढा मुक्त करने का सीएम ने निर्देश दिया था उसका क्या हुआ है? देखिए फिर वही बात है कि जब दो दो तीन तीन बार आदेश हुए उसके बाद 30 नवंबर डेट थी, आज तारीख हो गई है मैं कह सकता हूँ 30, और उसके बाद अब मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सड़कों की स्थिति वैसे ही बदहाल है। कल तो लखनऊ के अंदर जो बनी बनाई सड़क थी वही धस गई, जो धसी हुई सड़कें थी उनको पर तो प्लास्टर हुआ नहीं। तो समाज ये हो क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं जितिन प्रसाद मीटिंग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं बड़े गंभीर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार डेट पर डेट दे रहे थे, 30 नवंबर भी निकलने वाली है। अब यहाँ पर ये बात आ गई है कि मुझे लगता है कि या तो सीएम के बात को कोई नहीं सुनना चाहता है, मंत्री की बात पर कोई गंभीर नहीं है, या अधिकारियों को फर्क नहीं पड़ रहा है कि सड़क गड्ढे में तब्दील हो या गड्ढों में सड़क तब्दील हो, किसी के साथ हादसा हो या दुर्घटना हो इसको ना तो पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारियों को पता है। और देखिए एक सच्चाई ये भी है, खबरें छपती हैं, खबरें चल रही हैं, संज्ञान ट्विटर पर से लेकर सोशल साइट पर लोग नाराजगी जता भी रहे हैं, विपक्ष भी इसका मुद्दा बनाया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दिल न तो पसीजता है न कान को जू रेंगता है। अधिकारियों को आखिर कौन सी जड़ी बूटी सुहा दी जाए अब, और आखिरकार अधिकारियों को कौन सा मुद्दा बताया जाए या कौन सी ऐसी भाषा शैली से उनसे बात की जाए जो उनको समझ में आए कि हाँ ये गंभीर विषय है, ये सूबे के मुखिया का आदेश है, इसे पूरा करना है। कम से कम आप यात्रियों के ना सोचे, आम पब्लिक की ना सोचे, उत्तर प्रदेश की जनता की ना सोचे, लेकिन सूबे की मुखिया की तो सुनिए, सूबे की मुखिया की नहीं सुनेंगे, उनका आदेश का पालन तो करिए। उनका आदेश का पालन ही नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे आप सब और क्या सोचेंगे? 30 नवंबर के बाद आप कौन सी डेट दी जाएगी और गड्ढे क्यों नहीं भरे गए? गड्ढों में सड़कें तब्दील है, जो फ्रेश सड़कें थी लखनऊ की वही गड्ढों में तब्दील होने जा रही है। तो इसको लेकर के मुझे लगता नहीं कि कुछ गंभीरता है, मुझे लगता है सारा सब कुछ सिस्टम हवा हवाई चल रहा है हवा हवाई चलेगा। जी दानिश, अगर अभी भी इतनी सख्ती के बाद सड़कें नहीं बनाई गई हैं तो आगे की ऐसी कौन सी सख्ती की जाए कि अब सड़कें भी बन जाए, गड्ढा मुक्त करने की बात की जा रही है लेकिन यूपी में गड्ढा मुक्त कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए पुरानी कहावत है कि बेलगाम पर लगा तो लगाम, अगर सरकार के पास लगाम अच्छी है तो घोड़ा भिदक नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से खेल चल रहा है कि अगर सरकार अपने हाथ में है तो लगाम खुद ले ले या बेलगाम पर लगाम लगा ले। मंत्री जी को ही पावर दे दिया जाए कि वो बेलगाम पे लगाम लगा ले, मंत्री जी की भी नहीं सुन रहे। आखिर अधिकारियों का संरक्षण किसका प्राप्त है? सरकार के पीछे सलाहकार कौन है? सरकार कौन चलाने का प्रयास कर रहा है? दूसरी चीज, अगर मुख्यमंत्री का आदेश का आप नहीं सुन रहे हैं तो किसकी सुनेंगे? मुख्यमंत्री की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? और आपको गड्ढा अगर भर जाएगा या सड़कें गड्ढों से रिपेयर हो जाएंगी
तो एक अच्छा वातावरण होगा और उसने यूपी सूबे के यूपी के मुखिया का नाम होगा, सूबे का नाम होगा। कम से कम ये तो हो सकेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता कम से कम इतना तो कह सकेगी कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का प्रमाण जारी हुआ और उसका पालन हुआ और सड़कें जो है गड्ढों से मुक्त हो गई है। कम से कम दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगा। तो क्या चाहते हैं कि दुर्घटनाएं होती रहे, लगाम लगती रहे? आखिरकार दुर्घटनाओं के बाद ही अधिकारी जागेंगे। 30 तारीख आज होने वाली है, शाम की कुछ 4 मैक्सिमम बच चुका है। अब सवाल यहाँ पर ये कि जब 30 तारीख के बाद अगली डेट कौन सी आएगी? देखिए, जिसको जो काम करना है वो समय से पूरा कर लेगा, नहीं करना है तो डेट बढ़ती रहेगी। पहली बार ऐसा नहीं है कि डेट आगे हो रही है, पहले भी डेट आगे हो चुकी है, तो अब क्या होगा कि इसके बाद फिर से डेट आगे बढ़ जाएगी? तीन बार मौका दिया गया, तीनों बार मौका हाथ से निकल गया, लेकिन अब कौन सी डेट बढ़ेगी? सड़कों पर मॉनिटरिंग होगी, जब तक किसी पर गाज नहीं गिरेगी, जब तक पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर गाज नहीं गिरेगी, जब तक लापरवाही इंजीनियर पर गाज नहीं गिरेगी, जब तक ठेकेदारों पर गाज नहीं गिरेगी, तब तक कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि कुछ होना नहीं है। आदेश होते रहेंगे, मीडिया छपती रहेगी, चलाते रहेंगे, कार्रवाई हो चिल्लाने दो। बिल्कुल नायक फिल्मी का सीन चल रहा है कि अगर जो है अगर काम नहीं हो रहा है तो कोई कार्रवाई नहीं। जी बिल्कुल दानिश, अब देखना यह होगा कि आखिर कब यूपी में अब गड्ढा मुक्त होगा। और इसके साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में फ्री आरओ वाटर देने और साथ ही अनाधिकृत कॉलोनियों को हाउस टैक्स माफ करने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि एमसीडी के लिए मतदान 4 दिसंबर और मतगणना 7 दिसंबर को होगी और राजधानी में 42 वार्ड अनुसूचित जाति और 104 वार्ड महिलाओं और सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। चुनाव में कुल 55,000 ईवीएम का उपयोग होगा और जिनमें प्रत्येक उम्मीदवार की तस्वीर लगी होगी। उत्तर प्रदेश में हो रही उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और इसी बीच उपचुनाव में आज केंद्रीय निर्वाचन आयोग से शिकायत करने के लिए सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो राम गोपाल यादव और इसके साथ ही दिल्ली पहुंचे हैं और वहां पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने निर्वाचन आयोग से 2 जिलों के प्रशासन की शिकायत की है। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से 2 जिलों के प्रशासन की शिकायत की। उन्होंने आयोग से मैनपुरी इटावा के डीएम और एसपी की शिकायत करते हुए उनको हटाने की मांग की है। राम गोपाल यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत में कहा कि सपा कार्यकर्ता को डराया धमकाया जा रहा है, वोटर लिस्ट से सपा समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं, जातीय आधार पर पोलिंग बूथ पर तैनाती हो रही है, साथ ही सरकारी मशीनरी पर गलत इस्तेमाल हो रहा है और मैनपुरी इटावा में अफसर धमकी दे रहे हैं। गौरतलब है कि राम गोपाल यादव ने हाल ही में डीएम और एसपी पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मैनपुरी और इटावा के कलेक्टर और एसएसपी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई है कि तुम जाओ प्रधान और कोटा डीलर्स को पैसे दो, उनसे कहो कि अपनी अपनी पोलिंग जिताए वरना कोटा कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।